नमस्कार, पुनः आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था, जिसके अनुसार किसी एक क्षण किसी कण की स्थिति और संवेग दोनों का जो समक्षणिक मापन है वो संभव नहीं है, और स्थिति और संवेग में अनिश्चितताओं का जो गुणनफल है वो प्लैंक नियतांक के क्रम का होता है, एच के ऑर्डर का होता है। और इस अनिश्चित उसी पिछली जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें इस अनिश्चितता सिद्धांत का जो औचित्य है या जो स्पष्टीकरण है उसके रूप में तीन उदाहरण हमने कंसिडर किए थे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में इस अनिश्चितता सिद्धांत के जो अप्लीकेशंस हैं, अनुप्रयोग हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये ऐसे एप्लीकेशंस थे जिन्होंने अनिश्चितता सिद्धांत के फेवर में, पक्ष में जो प्रमाण है वो प्रस्तुत किए थे। तो इन अनिश्चितता सिद्धांतों के अनुप्रयोग में जो प्रथम अनुप्रयोग है अनिश्चितता सिद्धांत का वो है परमाणु नाभिक में इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति। जैसा कि आप सभी को मालूम है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो एटम की कंसेप्ट हमने हम जो काम में लेते हैं उसके अनुसार एटम की जो नाभि है, न्यूक्लियस, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। प्रश्न ये उठता है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रह सकते? नाभिक जो है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो कक्षाओं में ही चक्कर क्यों लगाते हैं? या इसको हम यूं कहें कि जो परमाणु नाभिक है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो अनुपस्थिति है उसका अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार क्या कारण है? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि चूंकि हमें मालूम है कि नाभिकों की जो रेडियस है, अर्धव्यास है, वो 10^-14 टू 10^-15 मीटर ऑर्डर का होता है, और एक इलेक्ट्रॉन को नाभिक में स्थित होने के लिए इसकी स्थिति की जो अनिश्चितता है, क्योंकि वो 10^-14 टू 15 मीटर में कहीं भी पाया जा सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉन के अगर नाभिक में स्थित हो तो इस इलेक्ट्रॉन के नाभिक में स्थित होने के लिए इसकी जो स्थिति की अनिश्चितता है उसका मान 10^-14 मीटर ऑर्डर का होना चाहिए। अगर स्थिति में ये अनिश्चितता है तो अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार इसके संवेग में जो अनिश्चितता है उसका मान होगा डेल्टा पी इक्वल्स टू एच अपॉन डेल्टा एक्स, और चूंकि एच प्लैंक नियतांक है इसका मान 6.63 इंटू 10^-34 जूल सेकंड होता है, और चूंकि इसकी स्थिति में अनिश्चितता का जो ऑर्डर है वो 10^-14 मीटर ऑर्डर का है, इसलिए इसको सॉल्व करें तो डेल्टा पी का जो मान है वो हमें प्राप्त होता है 6.63 इंटू 10^-20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अर्थात इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के संवेग का जो मान है उसमें अनिश्चितता के न्यूनतम जो मान है वो 6.63 इंटू 10^-20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड ऑर्डर का होना चाहिए। इसलिए इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ऐसे इलेक्ट्रॉन की, इसका मान जैसा कि आपको मालूम है इसकी एनर्जी होगी E इक्वल टू √P²C²+M₀²C₄, जहां M₀C² इसकी रेस्ट मास एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉन के लिए इसका जो मान है वो होता है 0.51 MeV, और जूल के अंदर इसका मान हुआ 0.51 इंटू 10^6
इंटू 1.6 इंटू 10^-19 और ये जो मान है वो इसकी जो एनर्जी पी सी है इसकी तुलना में बहुत ही कम है, नगण्य के बराबर है, इसलिए इसकी जो रेस्ट मास एनर्जी है इसको हम पी सी की तुलना में नगण्य के बराबर मान सकते हैं, इसलिए इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हुई पी सी के बराबर। और चूंकि इसके संवेग में अनिश्चितता का जो क्रम है वो 6.63 × 10^-20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड ऑर्डर का है, इसलिए हम ये आशा करते हैं कि इसके जो इसका जो संवेग है वो इसी क्रम का होगा, इसलिए P का जो मान है वो हुआ 6.63 × 10^-20 और C वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि है 3 × 10^8 मीटर पर सेकंड और ये जो मान है वो आता है 2 × 10^-11 जूल। और इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको हमें डिवाइड करना होगा 1.6 × 10^-19 से, तो ये जो मान है वो हमें प्राप्त होता है रफली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 125 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात इसका अभिप्राय जो है वो ये है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को परमाणु नाभिक में स्थित माने तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो 125 MeV ऑर्डर की होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है रेडियो एक्टिविटी में आपको मालूम है कि तीन प्रकार के पार्टिकल्स किसी भी अस्थायी नाभिक से इमिट होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। एक्चुअली जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर हम रेडियो एक्टिविटी से बीटा स्पेक्ट्रम को स्टडी करें तो बीटा स्पेक्ट्रम में जो बीटा पार्टिकल्स हैं उनकी जो मैक्सिमम एनर्जी है वो 2 से 3 MeV के बराबर होती है। अर्थात प्रायोगिक रूप से हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो परमाणु नाभिक के जो इलेक्ट्रॉन जिनको कि हम बीटा पार्टिकल कहें उनके जो एनर्जी है वो प्रायोगिक रूप से 2 to 3 MeV के बराबर होती है, जबकि अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार अगर हम इलेक्ट्रॉन को नाभिक के अंदर स्थित माने तो उसकी जो एनर्जी है वो 125 MeV के ऑर्डर की होनी चाहिए। और चूंकि दोनों में बहुत अंतर है, कहां प्रायोगिक मान 2 से 3 MeV के बीच में है जबकि सैद्धांतिक जो मान है वो 125 MeV के बराबर है, इन दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है, इसलिए इस आर्गुमेंट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु नाभिक में स्थित नहीं हो सकता या परमाणु नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन है वो अनुपस्थित होते हैं। अब इस अनिश्चितता सिद्धांत का जो दूसरा एप्लीकेशन है वो है मूल ऊर्जा स्तर में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा, यानी ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या है उसका मान जैसा कि प्रायोगिक रूप से हमें मालूम है ये 5 × 10^-11 मीटर के क्रम का होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की स्थिति को अगर हम इस हाइड्रोजन एटम के अंदर माने तो इसकी जो इसकी स्थिति में जो अनिश्चितता का अधिकतम मान है वो 5 × 10^-11 मीटर ऑर्डर का हो सकता है, अर्थात डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 5 × 10^-11 मीटर। इसलिए अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर संवेग के संगत जो अनिश्चितता है वो डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एच के बराबर होगी, इसलिए डेल्टा पी का जो मान है वो होगा एच अपॉन डेल्टा एक्स के बराबर। और चूंकि एच का मान प्लंक कांस्टेंट जो कि 6.6 × 10^-34 जूल सेकंड और डेल्टा एक्स जो कि स्थिति में अनिश्चितता है ये हुई 5 × 10^-11 मीटर, इसलिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये मान आता है 1.3 × 10^-23 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।
और चूंकि ऐसा जो इलेक्ट्रॉन है जिसका कि संवेग 1.3 इंटू 10 टेंडेज पर माइनस 23 किलोग्राम मीटर पर सेकंड ऑर्डर का है, ऐसे इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो नॉन रिलेटिविस्टिक होगा, अनापेक्षकीय होगा, और इसलिए इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इसका मान होगा पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम। तो चूंकि इसके संवेग में अनिश्चितता है वो 1.3 इंटू 10 टेंडेज पर माइनस 23 किलोग्राम मीटर पर सेकंड ऑर्डर की है, इसलिए हम ये आशा करते हैं कि इसका जो संवेग है वो भी इसी क्रम का होगा। तो अगर P का मान 1.3 इंटू 10 टेंडेज पर माइनस 23 किलोग्राम मीटर पर सेकंड ऑर्डर का हो और मास चूंकि इलेक्ट्रॉन का हमें मालूम है 9.1 इंटू 10 टेंडेज पर माइनस 31 किलोग्राम होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी का मान हुआ पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम इक्वल्स टू 1.3 इंटू 10 टेंडेज पर माइनस 23 होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस इंटू 9.1 इंटू 10 टेंडेज पर माइनस 31 इक्वल्स टू 9.3 इंटू 10 टेंडेज पर माइनस 17 जूल। और इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें इसे डिवाइड करना होगा 1.6 इंटू 10 टेंडेज पर माइनस 19 से, और ये जो मान है वो हमें प्राप्त होता है 5.8 इंटू 10 टेंडेज पावर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि एक तर्कसंगत मान है। और इस प्रकार ये जो मूल स्तर ऊर्जा स्तर में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा है इसका जो मान है वो अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार और प्रायोगिक जो मान है उसमें एक तर्क संगतता प्राप्त होती है, इसलिए हम जो हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा है मूल ऊर्जा स्तर में वो अनिश्चितता सिद्धांत से ज्ञात कर सकते हैं। अब जो तीसरा एग्जाम एप्लीकेशन है अनिश्चितता सिद्धांत का वो है आवर्ती दोलित्र की मूल अवस्था में ऊर्जा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार एक सरल आवर्ती दोलित्र के स्थिति ऊर्जा वक्र से उसकी जो न्यूनतम ऊर्जा है वो शून्य होनी चाहिए। हमें पोटेंशियल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल एनर्जी का मालूम है और उसके अनुसार उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान न्यूनतम जो है वो उसके जो यू कर्व यू एक्स कर्व हम प्लॉट करते हैं उसमें उसके पैंदे पर न्यूनतम मान है वो हमें प्राप्त होता है। परंतु न्यूनतम ऊर्जा या जो शून्य बिंदु ऊर्जा है ये शून्य नहीं होती है, इसका परिमित मान होता है और ये जो मान है वो क्वांटम मैकेनिकली हाफ एच न्यू के बराबर होता है, जहाँ न्यू दोलित्र की आवृत्ति का मान होता है। दोलित्र की न्यूनतम ऊर्जा यानी शून्य बिंदु ऊर्जा जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जीरो होती है और क्वांटम मैकेनिकली इसका जो मान है वो हाफ एच न्यू के बराबर होता है, इसकी व्याख्या हम अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर कर सकते हैं। अपने न्यूनतम ऊर्जा स्तर या मूल ऊर्जा स्तर में दोलित्र का जो आयाम है वो बहुत ही कम होगा और दोलित्र की स्थिति की अनिश्चितता का मान इसके आयाम की कोटि का होगा। अगर इसका आयाम हम x जीरो माने तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो स्थिति की अनिश्चितता का मान है वो x डेल्टा x ये x जीरो के क्रम का होगा। इसके संगत संवेग की जो अनिश्चितता है वो भी मूल ऊर्जा स्तर में संवेग की कोटि का होगा, अर्थात डेल्टा पी का जो मान है वो पी जीरो ऑर्डर का होगा। इसलिए मूल ऊर्जा स्तर में चिरसम्मत दोलित्र की जो ऊर्जा है ई जीरो, इसका मान होगा हाफ एम वी स्क्वायर। और हमने वेव्स एंड ऑसिलेशंस में फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि किसी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो वेलोसिटी है वी स्क्वायर, ये होता है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या वी इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और मूल जो अवस्था है उसमें चूंकि आयाम का मान एक्स का मान है वो जीरो होगा और आयाम जो है ए उसका मान हमने माना है एक्स जीरो, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो वी का मान है वो एक्स जीरो ओमेगा के बराबर होगा। इसलिए ई जीरो वी बराबर अगर हम एक्स जीरो ओमेगा रख दें तो ई जीरो का मान हो जाता है हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जहां ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है कोणीय आवृत्ति है। और इसको पुनः हम लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू हाफ एक्स जीरो ओमेगा इंटू एम वी। और चूंकि एम वी ये संवेग को रिप्रेजेंट करता है
और मूल अवस्था में इसका जो संवेग है वो पी जीरो ऑर्डर का है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं हाफ ओमेगा एक्स जीरो पी जीरो। और चूंकि एक्स जीरो का मान डेल्टा एक्स के क्रम का है, इसी प्रकार पी जीरो का मान डेल्टा पी के ऑर्डर का है, इसलिए हाफ ओमेगा एक्स जीरो पी जीरो को हम लिख सकते हैं हाफ ओमेगा डेल्टा एक्स डेल्टा पी। और चूंकि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी स्थिति और संवेग में अनिश्चितताओं का गुणनफल है, जो कि हमें मालूम है एच क्रॉस के ऑर्डर का होता है, इसलिए ये इक्वेशन बन गई ई जीरो इक्व टू हाफ ओमेगा एच क्रॉस। ओमेगा चूंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसका मान फ्रीक्वेंसी के रूप में होता है 2 पाई न्यू, तो इसलिए और एच क्रॉस ये चूंकि एच अपॉन 2 पाई के बराबर है, इसलिए इसका मान हुआ हाफ 2 पाई न्यू इंटू एच अपॉन 2 पाई। और इसको अगर हम सॉल्व करें 2 पाई एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और इसका जो मान है वो हमें प्राप्त होता है हाफ एच न्यू। इस प्रकार क्वांटम मैकेनिकली किसी आवर्ती दोलित्र की जो शून्य बिंदु ऊर्जा है वो शून्य नहीं होती है बल्कि हाफ एच न्यू के बराबर होता है। तो ये भी जो एप्लीकेशन है वो अनिश्चितता सिद्धांत के फेवर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पक्षकार है। अब जो चौथा एप्लीकेशन है वो है स्पेक्ट्रमी रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार या नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ऊर्जा समय अनिश्चितता सिद्ध, जिस प्रकार स्थिति और संवेग में अनिश्चितता होती है, ये दोनों जो राशियां हैं वो एक दूसरे की संयुग्मी राशियां कहलाती हैं। इसी प्रकार एनर्जी और समय में भी अनिश्चितता होती है, यानी एनर्जी और समय को भी एक साथ इसका सही मापन नहीं किया जा सकता। तो ऊर्जा समय अनिश्चितता संबंध के अनुसार यदि एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में ठहर कर निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो उसके उत्तेजित अवस्था उच्च ऊर्जा स्तर में ठहरने की समय की सीमा होती है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में संक्रमण करता है तो वो कुछ समय के लिए हायर एनर्जी लेवल में ठहरता है, अर्थात डेल्टा टी के बराबर उसके हायर एनर्जी लेवल में ठहरने की जो अनिश्चितता है वो होगी, जो इलेक्ट्रॉन के किसी ऊर्जा स्तर में रहने के औसत काल का नियंत्रण करती है। ये उस ऊर्जा स्तर का जीवन एक्चुअली इसको हम इस एक्साइटेड जो इलेक्ट्रॉन है जो कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में संक्रमण कर रहा है, ये इसका लाइफ टाइम भी कहलाता है। इसलिए इसकी जो ऊर्जा में अनिश्चितता का मान है वो हुआ डेल्टा ई ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच अपॉन डेल्टा टी। और चूंकि डेल्टा टी ये इसका लाइफ टाइम है और प्रायोगिक रूप से ये पाया गया है कि इसका जो मान है वो 10^-8 सेकेंड के बराबर होता है, इसलिए इसकी ऊर्जा में जो अनिश्चितता का मान है वो हुआ एच अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी का मान टाउ के बराबर है और टाउ का मान 10^-8 सेकेंड के बराबर है, तो ये मान हुआ डेल्टा ई इक्वल टू 6.64 × 10^-34 अपॉन 10^-8। और इसको सॉल्व करें तो ये जो मान है वो आता है 6.6 × 10^-26 जूल। और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो 1.6 × 10^-19 से इसको डिवाइड करें तो ये मान प्राप्त होता है 4 × 10^-7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूंकि इसकी जो ऊर्जा है उसमें अनिश्चितता इस क्रम की प्राप्त हो रही है 4 × 10^-7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की, इसलिए इसकी जो ऊर्जा है वो फ्रीक्वेंसी के रूप में होगी एच न्यू, ई इक्वल टू एच न्यू, इसलिए एनर्जी में जो अनिश्चितता है डेल्टा ई ये हुआ एच डेल्टा न्यू। और इसलिए डेल्टा जो न्यू है उसका मान होगा डेल्टा ई अपॉन एच। डेल्टा ई चूंकि हम ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं, इसका जो मान है वो है 6.6 × 10^-26 जूल डिवाइडेड बाई एच 6.6 × 10^-34, इसलिए ये जो मान है वो आता है 10^-8 सेकेंड, अर्थात जो इसका स्पेक्ट्रम हम जब स्टडी करते हैं तो उस स्पेक्ट्रम में हमें इलेक्ट्रॉन को जब एक्साइट करते हैं हायर, या इलेक्ट्रॉन हायर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जब जंप करता है और उसके बाद में वो वापस लोअर एनर्जी लेवल में संक्रमण करता है तो हमें स्पेक्ट्रमी जो रेखाएं हैं उसका एक बैंड प्राप्त होता है जिसको कि हम बैंड स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इस बैंड स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती हैं तो उनकी उनका जो विस्तार है वो अर्थात एक की बजाय ये जो विस्तार है वो 10^8 ऑर्डर का प्राप्त होता है। तो इस तरीके से इसकी जो व्याख्या है वो हम अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।